नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अगस्त में 120 सालों में चौथी बार 27% ज्यादा बारिश। ममता सरकार 20,000 से ज्यादा शरणार्थियों को देगी फ्री होल्ड जमीन। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय कश्मीरी बने ना बने, लेकिन सबसे सच्चा होना सबसे अच्छा। कोरोना संक्रमित असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अस्पताल में दी गई प्लाज्मा थेरेपी। आम्रपाली के 6 प्रोजेक्ट के लिए SBI कैंप के प्रस्ताव को मंजूरी। बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को इंद्र युद्धाभास करेंगे भारत और रूस। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रियाज सिद्दीकी की याचिका। मुंबई बम धमाकों में 10 साल की काट चुका है सजा। SPG की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। ड्रैगन की घुसपैठ की नाकाम कोशिश, भारत बोला सैनिकों को काबू में रखे चीन। पीएम मोदी को अपशब्द कहते हैं फेसबुक के अधिकारी, प्रसाद ने जुगरबर्ग को लिखा पत्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक आयोजित करेगी परीक्षा। 7 सितंबर से शुरू होना है मेट्रो का संचालन, आज जारी हो सकता है दिशा निर्देश। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए डेटा कलेक्शन का काम शुरू। तेलंगाना के मंत्री बोले कि रोजाना ताड़ी पीने से कैंसर भी ठीक हो सकता है। NCERB के मुताबिक पिछले साल देश भर में सड़क हादसों ने ली 1,54,000 से अधिक लोगों की जान। फिल्म निर्माता इंद्रजीत लंकेश का दावा, बोले कन्नड़ फिल्म उद्योग में मौजूद है 15 ड्रग माफिया। पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा भारत, 2021 में 3 शहरों में होगा आयोजन। इब्राहिमोविच ने AC मिलान के साथ 1 साल का करार किया। भ्रष्टाचार को लेकर सऊदी अरब की बड़ी कार्रवाई, शाही परिवार के 2 सदस्यों को हटाया। पीएम मोदी अमेरिका भारत के सामरिक और साझेदारी फोरम के महासम्मेलन को कल करेंगे संबोधित। कनारीज द्वीप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कई पर्यटक स्थल बंद। मेलानिया की पूर्व सलाहकार ने कहा कि ट्रंप और परिवार के साथ काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को दिया 10 सितंबर तक सरेंडर करने का अंतिम मौका। लॉस एंजल्स में पुलिस ने कानून तोड़ने पर एक अश्वत्थ को मारी गोली, सैकड़ों लोगों ने थाने का किया घेराव। COVID-19 के लिए संभावित वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए AstraZeneca ने समझौता बढ़ाया।